मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह मामला गौरीहार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग हाथ में डंडा लिए खड़ा हुआ है। उस बुजुर्ग का कहना है कि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन यहां पे रिकॉर्ड के अनुसार उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह बात उस समय खुलकर सामने आई जब उसकी पेंशन यहाँ पे मिलनी बंद हो गई। बुजुर्गों का कहना है कि मुझे पेंशन पहले मिला करती थी, और जब अचानक पेंशन नहीं मिली तो मैं बैंक गया और बैंक में पता किया तो यहाँ बैंक वालों ने कहा कि आप तो मृत घोषित हो चुके हैं और आपकी पेंशन बंद हो चुकी है। इस बात को सुनकर बुज़ुर्ग यहाँ पे चौंक गया और तमाम चीज़ों को लेकर लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो आज उसने जनसुनवाई में पहुंचकर अधिकारियों के सामने ज्ञापन सौंपकर अपना दुखड़ा सुनाया। वरदान एक्सप्रेस के लिए अलीमा तरन्नुम की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के बक्सवाहा से, जहां पर नवदुर्गा के दौरान यहां पे मां काली मंदिर में गरबा महोत्सव किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहां पे नवमी के दिन भी यहां महिलाओं द्वारा गरबा खेला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर की महिलाएं उत्साह पूर्वक यहां पे गरबा कर रही हैं और माता रानी को याद करते हुए उन्हें नमन कर रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माता रानी को गरबा महोत्सव करते हुए उन्हें प्रसन्न किया जा रहा है। वरदान एक्सप्रेस के लिए बक्सवाहा से राहुल जैन की रिपोर्ट। खबर छतरपुर जिले के बक्सवाहा से है, जहां पर माता रानी के जयकारों के साथ यहां पे विशाल चुंदरी यात्रा निकाली गई, जो कि 115 मीटर की थी, और यहां पे गाजीबाजों के साथ यह विशाल शोभा यात्रा निकालते हुए 115 मीटर की चुंदरी यहां पे माता रानी को चढ़ाई गई, जिसमें भक्तों द्वारा लगातार माता रानी की जयकारे लगाए गए और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए भक्तों का सैलाब देखने को मिला। यहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 115 मीटर की विशाल चुंदरी को लेकर महिलाएं, पुरुष एवं युवा यहां पे जयकारे लगाते हुए चले जा रहे थे। छतरपुर जिले के घुआरा में अष्टमी के दिन और नवमी के दिन यहां पे भजन कीर्तन के साथ जवारे निकाले गए और यहां पे लोगों ने भजन कीर्तन करते हुए जवारे विसर्जित किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं घुआरा से हैं, जहां पर दुर्गा अष्टमी के दिन यहां पे मोहल्ले के लोग एकजुट हुए और यहां भजन कीर्तन करते हुए जवारे निकालने के लिए पहुंचे हुए थे। साथ ही यहां पे महेंद्र सागर तालाब में पहुंचकर जवारों का विसर्जन किया गया। इसके उपरांत यहां पे पूजा अर्चना की गई और जवारे विसर्जित किए गए। वरदान एक्सप्रेस के लिए घुआरा से राजाराम साहू की रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस में अपनी सेवा देने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का आज एसपी सचिन शर्मा ने अपने कार्यालय में बुलाकर यहां पे उन्हें ताल सिलीफल देकर सम्मानित किया। यह इस उपलक्ष्य में किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान अच्छा कार्य किया है और इस माह उनका यहां पे विदाई समारोह हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर एसपी सचिन शर्मा ने उन्हें साल स्लीफर देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उन्हें बधाई दी कि आपके द्वारा पुलिस का अच्छा कार्य किया गया, इस बात को लेकर साल स्लीफर के साथ सम्मानित किया जाता है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल माली की रिपोर्ट।